जय हिंद कैडेट्स, वेलकम टू भाभी बोर्ड चैनल एंड वेलकम टू टारगेट अल्फा बैच। तो हम तैयारी कर रहे हैं बी एंड सी सर्ट एग्जाम्स की, और आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है ड्रिल, या कुछ भी बोलते हैं, फुट ड्रिल, सेरिमोनियल ड्रिल, कुछ भी बोल लो, ठीक है। तो आज हम ये चैप्टर शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें टॉपिक आता है एम्स ऑफ कमांड। अच्छा, इससे पहले एक चीज़ बताता हूँ, वर्ड ऑफ कमांड। वर्ड ऑफ कमांड देखो, सबसे पहले आप जब ड्रिल करते हो ना तो कमांड दी जाती है, ठीक है। तो कमांड जो दी जाती है कोई भी आपको, उसके दो पार्ट होते हैं। कौन कौन से पार्ट होते हैं बताओ जल्दी से, क्वेश्चनरी एंड एग्जीक्यूटिव। जैसे मैंने बोला दाहिने चलेगा, दाहिने मुड़, तो जो मैंने बोला दाहिने चलेगा वो क्वेश्चनरी थी, दाहिने मुड़ एग्जीक्यूटिव होती है। तो दो पार्ट होते हैं कमांड के, क्लियर हो गया। अब एक अच्छी कमांड कैसी होनी चाहिए, देखो एक बढ़िया कमांड होनी चाहिए, बिल्कुल लाउड। ये पूछते हैं वर्ड ऑफ कमांड के इम्पोर्टेंस, मतलब उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। ध्यान से देखो, लाउड होनी चाहिए, डिस्टिंक्ट होनी चाहिए। डिस्टिंक्ट मतलब कि उसके हर वर्ड में गैप जो है वो समझ में आना चाहिए। इनफ्लेक्शन होना चाहिए, इनफ्लेक्शन बोलते हैं कमांड में देते हुए उतार चढ़ाव, है ना। एक एक ही जैसे दाहिने चलेगा दाहिने मुड़, ऐसे नहीं बोली जाती कमांड। एक उसमें फ्लो होता है, उतार होता है, चढ़ाव होता है ना। स्नैप बोलते हैं कट, जैसे आपसे बोलते हैं ना सावधान, तो धान जो बोला वो कट लेते हैं उसको, ताकि एकदम से क्रिस्प एक्शन उससे किया जा सके, तो उसको बोलते हैं स्नैप होना चाहिए कमांड के अंदर पे। टोन एंड पिच ऑफ द वॉइस का बहुत ध्यान रखना होता है, ताकि आपकी कमांड एकदम क्लियर और क्रिस्प हो, एकदम उस पर अमल किया जा सके, ठीक है। तो ये वर्ड ऑफ कमांड की कैरेक्टरिस्टिक्स आपको क्लियर हो, कमांड लाउड हो, क्लियर हो, इन्फ्लेक्शन उसके अंदर स्नैप हो, टोन हो बढ़िया, पिच वॉइस हो बढ़िया उसकी, ठीक है। अब आता है कि जो कमांड होती है हमारे अंदर वो क्या इनकलकेट करती है, एम्स ऑफ कमांड। इसको काट के लिखो एम्स ऑफ ड्रिल। कमांड जो देंगे आप, कमांड से क्या करते हैं, कमांड से हम क्या करते हैं, ड्रिल। जैसे आपको कोई कमांड दी तो उसमें जो आप कार्रवाई कर रहे होते हैं उसको बोलते हैं ड्रिल, ठीक है। तो ड्रिल के जो एम है, एम्स होते हैं, वो होते हैं सबसे पहला टू इनकलकेट सेंस ऑफ डिसिप्लिन, ठीक है। हमारे अंदर सेंस ऑफ डिसिप्लिन इंक्रीज करना किसका एम है, ड्रिल का। सेकेंड, इम्प्रूव करता है बियरिंग। बियरिंग क्या होता है, बियरिंग होता है एंगल्स, आप जिन एंगल पर खड़े होते हैं ऐसे करके, ठीक है। तो आपको बॉडी पोस्चर इंप्रूव करेगा, आपका एंगल्स जिस एंगल पर खड़े हो रहे हैं कैरी करने का, वो उसको आपकी बियरिंग बोलते हैं, वो पूरा इंप्रूव कर देता है ड्रिल करने से। अगला होता है स्मार्टनेस इन अपेयरेंस। अपेयरेंस, अब आपका टर्नआउट तो बढ़िया हो जाएगा, तो स्मार्ट हो जाओगे, अपेयरेंस बढ़िया हो जाती है इंसान की, ठीक है। अगला जैसे ड्रिल में से कहा दोनों पैर पर एक वाली खड़े होना, तो एकदम स्मार्ट लगता है बंदा, ठीक है। टर्नआउट इंप्रूव करता है, जैसे टर्निंग से आते हो जाता है, ठीक है। अगला क्रिएट करता है सेल्फ कॉन्फिडेंस कैडेट के अंदर, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है ड्रिल करने से, ठीक है। उसकी क्वालिटी इंप्रूव करता है इमीडिएट ओबीडियंस टू ऑर्डर्स, मतलब जैसे हुक्म दिया जाए वैसे अमल करे, उसको ओबीडियंस ऑफ ऑर्डर्स बोलते हैं, वो उसके अंदर इंप्रूव कर देता है। तो ये एम्स ऑफ ड्रिल आपको समझ में आए, ये कमांड गलती से टाइप हो गई, इसको इग्नोर करना, कि एम जो है ड्रिल वो आपको क्लियर हो गए, कमांड के बारे में पता चल गया, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, नेक्स्ट होता है पोजीशन ऑफ अटेंशन। ये मैंने बहुत पेपर में देखा है, बी सर्ट के भी और सी सर्ट के एग्जाम्स में ऐसे पूछ लेते हैं कि अटेंशन पोजीशन बता दीजिए, या तो ऐसे डायरेक्ट पूछ लेंगे 5 नंबर क्वेश्चन, या उसको फिल इन द ब्लैंक से पूछ लेते हैं। जैसे कि अटेंशन पोजीशन में जब आप खड़े हो तो आपके पैर के बीच में कितने डिग्री का एंगल बन रहा है डैश करके, ऐसे पूछ लेते हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान से देख लो एक बारी, ताकि आप लिख भी पाओ और आपको मेन मेन जो की पॉइंट्स है वो भी याद हो जाए, ठीक है ना। जनरली फिलअप के फॉर्मेट में आता है, ठीक है, लेकिन कई बार सी सर्ट पे पूरा पूरा डिस्क्रिप्शन भी मांगा हुआ है काफ़ी सारे पेपर्स में मैंने जो पढ़े हैं, ठीक है। देखो ध्यान से, हील्स टुगेदर, जो आपकी हील क्या बोलते हैं, एडियां होती हैं, साथ में लगी चाहिए, फीट्स थोड़े से मतलब बाहर को खुले होते हैं, और जो कि बीच में 30 डिग्री का एंगल बना होते हैं, आपके पैर जो होते हैं वो इस शेप में होते हैं ना, जैसे ये पैर हो गया एक और एक ये पैर हो गया, तो ये वाला जो एंगल होता है बीच में ये होता है, जैसे ये आपकी हील्स होते हैं ये जुड़े होते हैं और थोड़े टोज होते हैं अपार्ट होते हैं, तो ये बीच में जो एंगल बनता है ये बनता है 30 डिग्री का, ठीक है, ये बात क्लियर हुई आपको। अगला देखो, आर्म्स हैंगिंग स्ट्रेट, जो आपके हाथ होते हैं ना बिल्कुल स्ट्रेट होने चाहिए, ठीक है। जो आपका अंगूठा होना चाहिए वो बिल्कुल सीम ऑफ ट्राउजर, जो आपके ट्राउजर की या पैंट की सिलाई होती है उससे टच करना चाहिए, है ना। आपने साधन में खड़े होंगे तो बताओगे, हैंड आपके क्लोज होने चाहिए, बिल्कुल टाइटली क्लिंच नहीं होने चाहिए लेकिन बस क्लोज होने चाहिए, ठीक है। हेड आपका बिल्कुल सीधा, सर सीधा, आईज एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड सामने देखनी होनी चाहिए, ठीक है। वेट होता है जो बॉडी का, वो दोनों पैरों पे इक्वली रेस्ट करना चाहिए, ये आपकी सावधान पोजीशन होती है, क्लियर हो गया, ओके। नेक्स्ट आपका है विश्राम। विश्राम होता है स्टैंडर्ड ईज। अच्छा एक बात और मेरी ध्यान से सुनो, इसके अंदर पता है क्या क्वेश्चन आता है पेपर के अंदर भी, कई बार पेपर के अंदर पे क्वेश्चन आ जाता है कि
कि इंपॉर्टेंस ऑफ ड्रिल बता दीजिए। 10 मार्क का क्वेश्चन आया था हमारे पेपर में, आया था कि इंपॉर्टेंस ऑफ ड्रिल बताओ और कुछ मतलब ड्रिल के एग्जाम्पल, मतलब कुछ कमांड के एग्जाम्पल्स दे दीजिए। तो कमांड में जैसे हमने हमने ऐसे लिखा अटेंशन लिखा, तो उसके बाद लिख दिया सावधान, फिर लिखा विश्राम, फिर ब्रैकेट में लिखा स्टैंड इज, फिर लिखा आराम से, लिखा स्टैंड इजी, फिर लिखा दाहिने चले गए दाहिने मुड़, तो फिर लिखा टर्न टर्न राइट, ऐसे करके। तो ये कमांड्स भी पूछे जाते हैं, तो इनको आप रिमेम्बर करिएगा। वैसे ही अगर आपने एनसीसी करी है, एक बार कर रखी है, तो आप अपने आप से भी लिख सकते हो, लेकिन फिर भी कुछ इंग्लिश टर्म कई बार बच्चों को नहीं आती, तो इसको हल्का सा आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो विश्राम किस इंग्लिश में क्या बोलेंगे, स्टैंड एट ईज, इसमें पैर के बीच में 12 इंच का गैप होता है, ठीक है। और वाइल डूइंग मूवमेंट रेज द फुट 6 इंचज फ्रॉम द ग्राउंड। अब ये क्या मतलब हुआ, जैसे आप विश्राम पोजिशन में जाते हो, तो आप क्या करते हो, जैसे मैंने बोला कैडेट विश्राम, तो आप एक कदम उठा करके और फिर साइड में रखते हो। तो आपने जैसे आपका ये वाला पैर था और आपने ये वाला जो है कदम उठा करके साइड में रखा, तो ये जब साइड में रखोगे तो ये कितनी दूरी पर रखा जाएगा, 12 इंच की दूरी पर रखा जाएगा। लेकिन जब आप इसको हवा में उठा रहे हो, ऊपर की तरफ उठा रहे हो, तो इसको ऊपर कितना ऊपर लिफ्ट करोगे, जैसे ये वाला पैर ऊपर उठा के रखा होगा ना आपने इधर साइड में, तो ऊपर कितना उठा, ये 6 इंच उठता है। ये फिल इन द ब्लैंक्स में बहुत बार पूछा गया, इसको गलत मत करना। क्लियर हो गया कि जब पैर उठा रहे हैं तो कितनी कितनी हाइट पे उठेगा, ग्राउंड से 6 इंच की हाइट पे उठ के तब साइड में पटका जाता है। क्लियर। अगला है आराम से स्टैंड इजी, एक कमांड देते हैं कई बार बहुत ज्यादा ड्रिल कराते हैं, बोलते हैं आराम से। तो इसमें आराम से कुछ नहीं करना होता, बस सिंपल आपकी जो फीट्स होंगी, बॉडी लिम्स होंगे, हेड वगैरह, थोड़ा सा रिलैक्स पोजिशन में आ जाता है। इसमें टॉकिंग, बात करना, टर्निंग करना, हेड के इधर उधर मूवमेंट करना, ठीक है, स्लचिंग करना, मतलब एक टांग पे खड़े हो जाना, या हैंड कर्चीफ का यूज करना अलाउड नहीं होता, इट्स नॉट परमिटेड, ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। ओके, विश्राम आराम से क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं टर्निंग्स। टर्निंग्स आपकी होती है दाहिने मुड़, बाएं मुड़ और पीछे मुड़, 3 टाइप की टर्निंग होती है। तो जब आप दाहिने बाएं मुड़ते हो तो कितने डिग्री का मुड़ते हो, जैसे दाहिने मुड़ा तो 90 डिग्री मुड़ा है ना, ऐसे ही अगर मैं बाएं मुड़ रहा हूँ तब भी मैं 90 डिग्री मुड़ रहा हूँ। लेकिन अगर मैं पीछे मुड़ रहा हूँ तो पीछे पे, जैसे ये इंसान था ना, ऐसे पीछे मुड़ता है तो 180 डिग्री मुड़ जाता है, पूरा घूम जाता है ना। और ये हमेशा राइट साइड से मुड़ना होता है, जैसे आप सीधी बाजू की तरफ, जैसे मैंने बोला कैडेट आगे बढ़ेगा, पीछे मुड़, तो आप सीधे हाथ की तरफ से घूमेंगे, ठीक है। तो इसमें 180 डिग्री एंगल बनता है, 90 डिग्री का एंगल बनता है, ये तो बहुत सिंपल सा है। फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाते हैं क्वेश्चन, ये बच्चों वाले सवाल, ठीक है। अगला होता है इंक्लिनेशन। इंक्लिनिंग मतलब होता है आधा दाहिने और आधा बाएं मुड़, कई बार बोलते हैं ना आधा दाहिने आधा बाएं मुड़, ऐसे करके आधा दाहिने मुड़, या बोलेंगे खाली आधा बाएं मुड़, तो उसमें क्या करता है, एंगल 45 डिग्री बनता है। जैसे सपोज करो ये तो आप पूरा मुड़ गए, दाहिने पूरा मुड़ गए, लेकिन आधा दाहिने बोलेंगे तो आप खाली इतना मुड़ेंगे, तो इसके बीच में कितना एंगल बनेगा, ये 45 डिग्री का। क्लियर हो गया। अगला होता है व्हीलिंग। व्हीलिंग होता है घूमना, जैसे मैंने बोला दाहिने घूम, तो इसमें आप उछल के घूम जाते हो, है ना। जैसे बोला बाएं घूम, तो आप दूसरी साइड में क्या बोलते हैं, लेफ्ट साइड में उछल के घूम जाओगे, तो उसको व्हीलिंग बोलते हैं, ठीक है। ये कुछ कमांड्स क्लियर हुई, आगे बढ़े। नेक्स्ट आपका साइजिंग एंड फॉर्मिंग। साइजिंग एंड फॉर्मिंग होता है कदवार। कदवार आपको काफ़ी सारे कॉलेज में करवाते हैं, स्कूल्स में, एंड काफ़ी सारे स्कूल कॉलेज में नहीं भी करवाते। तो कदवार देखो बेसिकली क्या होता है, एक स्क्वाड को बनाने का तरीका है ना, एक तमीज से जैसे एक स्क्वाड बनाया जाता है, उसको बनाने का एक तरीका होता है, उसको कदवार बोला जाता है। तो इसके अंदर पे कुछ कमांड्स हैं, ये लिखी हुई है मैंने, अगर आपने एक बार किया होगा तो आपको आता होगा, नहीं किया होगा तो बिल्कुल सर के ऊपर से जाएगा, ठीक है। फिर मैं कोशिश करूँगा, ध्यान से देखो समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसमें सिंपल मैंने डायग्राम बना रखा है, उसके हेल्प से मैं आपको समझाने का ट्राई करूँगा। तो इसमें ध्यान से देखो, सबसे पहली कमांड है लंबा दाहिने छोटा बाएं एक लाइन में कदवार। हम इनको बोलेंगे कि एक लाइन बना लो, सिंपल एक, इसको एक लाइन को रैंक बोलते हैं। तो हम सीधा उनको एक एक रैंक बनाने के लिए बोलेंगे कि एक लाइन में सारे सारे बंदे जो हैं वो खड़े हो जाइए, ठीक है। ओके, तो मैंने ये बना रखा, सपोज करो ये कुछ कैडेट्स हैं, ये हमारे कैडेट, हमने इनको बोल दिया एक लाइन में कदवार कि लंबा दाहिने, तो ये हमारा राइट साइड हो गया, लंबा दाहिने छोटा बाएं, तो ये हमारा बाएं मतलब लेफ्ट साइड हो गया। तो ये एक लाइन में खड़े हो गए कि जैसे सबसे लंबा बच्चा, फिर उससे छोटा, फिर उससे कम हाइट का, ऐसे करके ये सारे एक साथ खड़े हो गए, ठीक है। इतना क्लियर हुआ, ये पहले वाली कमांड क्लियर, ठीक है। लंबा दाहिने छोटा बाएं एक लाइन में कदवार, एक उन्होंने फाइल बना ली आगे पे, एक रैंक बना ली, ठीक। अगला देखो, स्क्वाड दाहिने से गिनती शुरू कर। स्क्वाड को हमने क्या कमांड दी, ये हमारा स्क्वाड था, ये फिगर नंबर 1, हमने दाहिने से गिनती शुरू कर, तो इसने बोला 1 2 3 4 5 6 7, हमारे 7 कैडेट मौजूद है और उन्होंने दाहिने से गिनती कर दी 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, गिनती कर दी, सेकंड वाली कमांड पूरी हो गई। तीसरा है विषम कैडिट आगे सम कैडिट पीछे एक लाइन में, सम कैडिट पीछे चल। तो इसमें विषम मतलब होता है ऑड और सम मतलब होता है इवन, तो विषम कैडिट आगे और सम कैडिट पीछे। तो विषम कैडिट कौन कौन से हो गए,
ऑड वाले, 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया एंड 7 हो गया, ये एक कदम आगे आ गए। तो देखो यहाँ पे ये ब्लैक वाला, ब्लू वाला, ग्रीन वाला एक कदम आगे आ गए, और जो बाकी सम मतलब इवन कैडिट से 2 हो, 4 हो गया, 6 हो गया, तो ये 6 वाला देखो ऑरेंज वाला पीछे एक कदम, येलो वाला भी एक कदम पीछे, ग्रे वाला 2 नंबर एक कदम पीछे, तो ये एक एक कदम आगे पीछे हट गए। क्लियर हो गया? अगला देखो इसके अंदर पे तीसरी कमांड पूरी। फिर बोला हमने दाइने कैडिट खड़ा रह, तो दाइने वाला जो कैडिट था, दाइने मतलब राइट साइड वाला, तो मैंने इसके नीचे देखो हल्का सा हाईलाइट कर दिया, मैंने बोला दाइने कैडिट खड़ा रहे, मतलब ये वाला अपनी जगह से नहीं हिलेगा, ये हिलेगा नहीं, ठीक है। क्लियर हुआ? आगे देखो नेक्स्ट कमांड पढ़ते हैं। विषम विषम कैडिट दाइने, सम कैडिट बाएं, लाइन दाइने बाएं मुड़। हमने क्या बोला, ये वाले जो फाइल थी विषम कैडिट की, उसको बोला दाइने, दाइने मतलब राइट साइड में, तो ये सारे राइट साइड मुड़ गए, एरो का मतलब इधर टर्न हो गए, ठीक है। इन सबको बोला सम कैडिट बाएं, तो ये सारे इस साइड में मुड़ गए। क्लियर हुआ मेरा बात? टर्निंग्स ले ली इन्होंने, इमेजिन करने का ट्राई करो थोड़ा सा, ठीक है। दाइने बाएं मुड़ गए, आप अपने लाइन में खड़े हैं। फिर हमने लास्ट में बोला 3 लाइन बनाओ तेज चल, मतलब कि स्कॉट बनाओ तेज चल, ऐसे बोलते हैं। तो इन्होंने चलना शुरू करा, जैसे ये चलेगा ग्रीन वाला चल चल चलते चलते जाएगा, इसके पीछे जाके खड़े हो जाएगा। फिर ये ब्लू वाला जाएगा चलते चलते, उसके पीछे खड़ा हो जाएगा। जैसे ग्रीन वाला चल चल के गया, इसके पीछे खड़ा हो गया। फिर ब्लू वाला चल गया खड़े गया, इसके पीछे खड़ा हो गया। फिर ब्लैक, तीन तीन की फाइल होती है, जैसे 3 लोग खड़े होते हैं ना, 1 2 3 ऐसे बनता है स्कॉट। फिर ये फोर्थ वाला इधर आएगा, 1 2 3 ऐसे करके, 1 के पीछे 2 स्कॉट बनता है ना। तो फिर ये ब्लैक वाला सबसे आगे आ जाएगा, जैसे देखो यहाँ पे देखो ध्यान से आ गया। फिर उसके पीछे ये, जैसे ये चलते हुए आ रहे हैं ना एक लाइन में, जैसे चलते आ रहे, ऐसे चलते चलते आ जाएंगे, ठीक है। फिर ऑरेंज वाला लगेगा, फिर येलो वाला लगेगा, फिर ये ग्रे वाला लग जाएगा, ऐसे करके एंड सो ऑन, है ना। इनके पीछे और भी बच्चे होंगे, तो वो ऐसे करते करते लगते चले जाएंगे। इससे देखो क्या होगा, ये हमारा स्क्वाड जो बना है, स्क्वाड फॉर्मेशन हो गई। इसमें जो होगा, जैसे लंबे लंबे बच्चे हैं वो कोने कोने में लगते हैं, जो छोटी छोटी हाइट के होते हैं वो बीच में जाते हैं, तो एकदम यूनिफॉर्म सा स्क्वाड जो है वो बन जाता है। इसको बोलते हैं कदवार। कदवार की कार्रवाई आपको समझ में आ गई। जनरली ये पेपर में नहीं पूछते, लेकिन सी सर्ट एग्जाम में कभी आ गया तो आप लिख लेना इसको, और ये पता होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बेसिक है स्क्वाड बनने का तरीका। मेरे ख्याल से पूरा क्लियर हो चुका है। चलो हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका ओपन ऑर्डर मार्च। ओपन ऑर्डर मार्च क्या होता है? खुली लाइन चल। आपने खुली लाइन चलाया कभी, है ना? जैसे मैंने बोला स्क्वाड खुली लाइन चल, तो क्या होता है, 1 ठहरो, 1 2 करा है। तो इसमें जो होती है आपकी फ्रंट वाली रैंक होती है। अच्छा, जैसे ये स्क्वाड बन रखा है ना, तो सपोज करो ऐसे खड़े हो, 1 2 3 और यहाँ पे आपका कमांडर, ठीक है। तो ये वाली जो लाइन होगी, इसको बोलते हैं फ्रंट रैंक। जो ऐसी ये लाइन होती है, इसको रैंक बोलते हैं। और जो ऐसे ऐसे तीन तीन बच्चे खड़े होते हैं, उनको फाइल बोलते हैं। तो ये फ्रंट रैंक होगी, और जो ये पीछे वाली होती है, उसको बोलते हैं रेयर रैंक। पीछे वाली को रियर, आगे वाली को फ्रंट, ठीक है। तो फ्रंट लाइन जो होगी, वो 1.5 स्टेप आगे की तरफ लेगी। 1 ठहरो 1 2 कितना, 2.5 कदम लेते हैं, 1.5 स्टेप ये एक कदम आगे लेगी, और पीछे वाली लाइन 1.5 स्टेप पीछे लेगी, ठीक है। खुली लाइन चल में ये होता है लेफ्ट फुट, ठीक है। और बीच वाली लाइन चुपचाप से खड़ी रहेगी, बीच वाली लाइन कोई मूवमेंट नहीं करेगी। क्लियर हुआ? तो ये खुली लाइन चल में होता है। जैसे लिखा है रियर रैंक कन्फर्म द सिमिलर मूवमेंट टू द रियर साइड, और बीच वाली फाइल कुछ नहीं करती। ये होता है ओपन ऑर्डर मार्च। एक होता है क्लोज ऑर्डर मार्च। क्लोज ऑर्डर मार्च होता है निकट लाइन चल, जैसे गए इसका उल्टा आएगा। थोड़ा कन्फ्यूज हो गया क्या? ध्यान से देखो, आपने करा होगा तो आपको किसी को कन्फ्यूजन नहीं होगा, जिसने नहीं करा उसको दिक्कत हो रही होगी। ओपन ऑर्डर मार्च, खुली लाइन चल में कमांडर ने कमांड दिया खुली लाइन चल, तो ये स्क्वाड था, ये आगे वाली लाइन 2.5 कदम आगे आ गई, और वाली 2.5 कदम पीछे चली गई। तो सपोज करो यहाँ पे देखो ध्यान से, ऐसे ये हमारा स्क्वाड था नॉर्मल, ये हमारा नॉर्मल स्क्वाड था, और कमांडर हमारा आगे ही है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो नॉर्मल स्क्वाड था, हमने बोला खुली लाइन चल, तो ये हल्का सा 1.5 कदम पीछे पीछे चले गए, ठीक है, ये खुली लाइन चलने के बाद। फिर कमांडर ने बोला, खुली लाइन चल क्यों कराया जाता है, इंस्पेक्शन करवाने के लिए, ठीक है। फिर कमांडर ने कमांड दी निकट लाइन चल, तो निकट लाइन में क्या होगा, जो पीछे वाली रेयर फाइल होगी वो 2.5 कदम आगे आ जाएगी, और जो रेयर वाली होगी 2.5 कदम पीछे चली जाएगी। इसमें क्या हुआ था, आगे वाली आगे आई थी और पीछे वाली पीछे गई थी, इसका उल्टा हो जाएगा। मेरी बात क्लियर हो रही है? तो वापस से ये अपनी अपनी जगह पे आ जाएंगे। ये हुआ निकट लाइन चल, क्लोज ऑर्डर मार्च। ये वाला था ओपन, और ये वाला है क्लोज ऑर्डर मार्च। निकट लाइन चल, खुली लाइन चल, क्लियर हो गया? ओके, एक बार क्या होगा तो मेरे ख्याल से बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। 2.5 कदम चलते हैं, ये बात इसमें ध्यान देने योग्य है, ठीक है।
नेक्स्ट होता है ड्रेसिंग। ड्रेसिंग क्या होता है? सज दाइने सज, ये स्क्वाड को बनाने के लिए बिल्कुल लाइन में अलाइन करने के लिए सज दाइने सज करवाया जाता है। इसकी कार्रवाई आपने करी होगी तो आपको पता होगा, है ना। फ्रंट वाली फाइल, सारे लोग राइट देखते हैं, फ्रंट वाली फाइल हाथ उठाती है, छिक 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 करते हैं, है ना, मूवमेंट करेंगे एडियो से और फिर रुक जाते हैं। ये होता है आपका ड्रेसिंग, ठीक है। फिर होता है एक आपका परेड पर। परेड पर क्या होता है कि हमें ना इसको इसको परेड पर को आपने सुना होगा, आपको जो पता होगा वो होगा 14-1-2। किया है अभी 14-1-2। या इसको बोला जाता है समीक्षाकर्म। क्या बोला जाता है? समीक्षाकर्म। परेड पर भी बोलते हैं, समीक्षाकर्म भी बोलते हैं, 14-1-2 भी बोलते हैं। इसके अंदर क्या होता है, इंसान जैसे स्क्वाड खड़ा हो रखा, ये जाएगा एंड 14 कदम लेगा और फिर थम करेगा, तो टोटली 15 पेस लेता है। पेस पेस का मतलब होता है कदम। टोटल परेड पर में या समीक्षाकरण में या फिर 14-1-2 में कितने कदम लिए जाते हैं? 15। और जो 15th वाला पेज होता है, जो 15वां वाला कदम होता है 14 के बाद वाला, उसमें थम करना होता है। हॉल्ट मतलब होता है थम। हॉल्ट मतलब होता है थम। ये भी कमांड्स आप लिख सकते हो, जैसे मैंने बोला था ना 5 कमांड लिखने, तो आप हॉल्ट लिख के लिख दोगे THAMM, थम। हॉल्ट माने थम। क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है डिसमिसिंग एंड फॉल आउट। डिसमिस होना और फॉल आउट होना। डिसमिस मतलब होता है विसर्जन। डिसमिस होना मतलब विसर्जन, और फॉल आउट होने मतलब होता है लाइन तोड़। डिसमिस, विसर्जन, फॉल आउट, लाइन तोड़। डिसमिस में जो स्क्वाड होता है वो राइट टर्न होएगा, जो आपका ऑफिसर होगा, जीसी होगा, उसको सैल्यूट करेगा, एक पोज लेगा, फिर दो स्टेप लेके थम करता है, या फिर स्टेप लेते हुए ग्राउंड से बाहर दफा हो जाता है बिल्कुल। तो डिसमिस मतलब परेड पूरी खत्म हो चुकी है ना, कार्रवाई समझ आई। उसके बाद लाइन तोड़ में क्या होता है? लाइन तोड़ में लाइन तोड़ कुछ नहीं होता, बीच में जैसे बहुत देर तक परेड चल रही है, उसके बीच में एक छोटा सा ब्रेक होता है, इसमें सैल्यूट नहीं दिया जाता, ठीक है। कैडेट फॉल आउट करते हैं, और फिर थोड़ी देर बाद होता है ना, जैसे बोला फॉल इन बोल दिया, तो वापस आके दोबारा से वैसे स्क्वाड में खड़े हो जाते हैं, ठीक है। तो ये होता है लाइन तोड़। अच्छा, इस पे क्वेश्चन आता है पेपर में कि इन दोनों का डिफरेंस बताओ, कि डिसमिस और फॉल आउट के बीच का डिफरेंस बता दीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया, बार बार पूछा जाता है, ठीक है। तो देखो, डिफरेंस बिटवीन डिसमिसिंग एंड फॉलिंग आउट। तो फॉल आउट जो होता है, फॉल आउट एक ये ना टेम्पररी ब्रेक है। फॉल आउट क्या है कि टेम्पररी है, ठीक है। इसमें वर्ड ऑफ कमांड जो है, जो कैडेट होते हैं उनको केवल एक स्टिपुलेटेड पीरियड, मतलब कि छोटे से पीरियड, जैसे 5 मिनट के लिए लाइन तोड़, 10 मिनट के लिए लाइन तोड़, है ना, ऐसे कराते हैं। तो एक छोटे से ब्रेक है, एक टेम्पररी ब्रेक होता है, और फिर इसके बाद में वापस आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन डिसमिस जो होता है, डिसमिस मतलब कि ये डिसमिस मतलब कि विसर्जन मीन्स क्लोजिंग ऑफ ड्रिल, कि ड्रिल अब क्लोज हो चुकी है, अब ग्राउंड खाली कर दो, कोई यहाँ पे दिखाई नहीं देनी चाहिए। इट मीन्स परेड इज कम्प्लीटली टर्मिनेटेड। परेड जो है वो कम्प्लीटली टर्मिनेट हो चुकी है, इसके बाद ग्राउंड पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। क्लियर हो चुका? डिसमिस होना, विसर्जन करना, और फॉल आउट या लाइन तोड़ करना, दोनों में डिफरेंस लिख लो। कि दो दो तीन तीन पॉइंट मैंने दो स्लाइड बनाई है इसकी तभी, ताकि आपको कार्रवाई और वो दोनों क्लियर हो जाए, ठीक है। आगे बढ़े। नेक्स्ट होता है आपका लेंथ एंड पेस ऑफ टाइम ऑफ मार्चिंग। अच्छा देखो, तीन टाइप के मार्च होते हैं एनसीसी के अंदर पे। कौन कौन से? स्लो टाइम मार्च, क्विक टाइम मार्च और डबल टाइम मार्च, ठीक है। तो ये तीन टाइप ऑफ मार्चिंग भी, इनके अंदर पे लेंथ ऑफ पेस इन इंचेस। अब पेस मतलब मैंने बताया आपको कदम, ठीक है, कि कदम की कितनी लेंथ ली जाती है। तो इसमें 30 इंच के कदम लिए जाएंगे, इसमें भी 30 इंच के कदम लिए जाएंगे, इसमें 40 इंच के कदम लिए जाएंगे, ठीक है। फिर पेस इन मिनट्स, पेस इन मतलब कदम इन मिनट, कि एक मिनट में आप कितनी दूरी चल लोगे, कितने कदम चल लोगे, टप 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 करके कितने कदम दूर चले जाओगे, है ना। तो स्लो टाइम में आप 70 कदम रख देते हो एक मिनट के अंदर, क्विक टाइम में 120 और डबल टाइम में 180। ये याद करना बहुत आसान है, इसमें खाली 6 की मल्टीप्लाई कर रखिए। जैसे इसको 70 ना मान के आप 60 दिमाग में इमेजिन करो, 6 2 12, 6 3 18, तो ऐसे 70 120 180, ठीक है। डिस्टेंस स्लो मार्च में हम अपने मंजर कवर कर लेते हैं जितना रिक्वायर्ड होता है, डबल टाइम में आपका 100 यार्ड कंप्लीट होता है, एंड मतलब क्विक टाइम में 100 यार्ड और डबल टाइम में 200 यार्ड। तो ये तीन टाइप के मार्चिंग आपकी क्लियर हुई। ये पूछते हैं पेपर के अंदर पे, तो इसको ध्यान रखिएगा, मतलब फिल इन द ब्लैंक्स के उसमें पूछ लीजिए। जैसे इन डबल टाइम मार्च पेस क्या बोलते हैं, पेस इन मिनट विल बी कवर्ड डैश, तो आप लिखोगे 180, ठीक है, ऐसे करके। या पूछ लिया इन स्लो टाइम मार्च लेंथ ऑफ पेस, तो आप लिखोगे 30, ऐसे करके। लेंथ ऑफ पेस समझ में आ गया कि कितने इंच पे रखा जा रहा है, और पेस इन मिनट मतलब कितने कदम रखे जा रहे हैं कदम काउंट के लिए पूरे, ठीक है। अगला टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट है आपका साइड पेस। साइड पेस हुआ, जैसे आपका कोई स्क्वाड खड़ा हो रखा होता है, तो कई बार आपको इंस्ट्रक्टर बोल देता है कि दाहिने बाजू चल, या बोल देता है बाएं बाजू चल, तो साइड साइड से चल के जाना होता है ना, टाप टाप के टाप टाप के, ठीक है। तो जैसे बोलते हैं दाहिने बाजू चल या बाएं बाजू चल, तो इसमें ये चीज़ ध्यान रखते हैं। जैसे सपोज करो साइड पेस आपको कोई कमांडर दिलवा रहा है, वो आपको दाहिने या बाएं बाजू चलवा रहा है, तो मैक्सिमम जो है वो 12 पेस चलवा सकता है, कितने 12 पेस चलवा सकता है, मतलब
अगर आपको मैंने बोल दिया, सपोज करो मैंने बोला तीन कदम दाहिने बाजू चल, तो आप तीन कदम चल के रुक जाओगे, लेकिन अगर मैंने खाली बोल दिया कि दाहिने बाजू चल, तो आपको अपने दिमाग से 12 कदम चलने हैं और फिर रुक जाना है। अच्छा, इससे ज़्यादा क्यों नहीं चलते? इससे ज़्यादा इसलिए नहीं चलते कि देखो 12 कदम तक तो साइड में जा सकते हैं, उसके बाद अगर इससे ज़्यादा दूरी ट्रैवल करनी है तो मैं बोलूँगा स्क्वाट दाहिने चले गए दाहिने मोड़, और उसके बाद मार्च करवा के ले जा लूँगा। क्लियर होगी बात? और इसमें भी साइड पेस का जो वो होता है, मतलब साइड्स जो रखी जाती है कितने कितने डिस्टेंस पर रखी जाती है, जैसे यहाँ से कितने डिस्टेंस पर रखूँगा मैं 12 इंच के डिस्टेंस पे, फिर 12 इंच के डिस्टेंस, फिर 12 इंच के डिस्टेंस, फिर 12 इंच के डिस्टेंस से कदम रखते हुए 12 कदम लूंगा। क्लियर? तो साइड पेस का रिलेटेड यही क्वेश्चन आएगा, 12 लिख दे रहा उसके अंदर पे। क्लियर? फिर होता है पेस फॉरवर्ड एंड रियर। अब जैसे यही मैंने एक और स्क्वाड बना लिया और मैं इसको पेस फॉरवर्ड में, मैं इसको कमांड दूंगा कि तीन कदम सामने या तीन कदम पीछे, या पीछे चल स्क्वाड, पीछे चल, है ना, स्क्वाड आगे बढ़, ऐसे करके मैंने कुछ कदम चलने के लिए बोल दिए जस्ट टू थोड़ा सा एडजस्ट करने के लिए। तो इसमें बहुत छोटा डिस्टेंस है, लेफ्ट फुट पहले आएगा, शूट लेंगे और फिर चलेंगे, ठीक है। इसमें मैक्सिमम ना आप 3 कदम ले सकते हो, कि जैसे कोई स्क्वाड है मैंने उसको आगे या पीछे बढ़ने के लिए बोल दिया तो वो 3 कदम लेगा, है ना, 3 कदम नॉर्मली आगे ले लिया, 3 कदम पीछे ले लिया, बस इतने ले सकते हैं। ये क्लियर हुआ? नेक्स्ट टॉपिक है आपका अदर कमांड्स। कुछ और कमांड होती है जैसे कि तेज कदम ताल, क्विक टाइम मार्च, जैसे बोलते ना खड़े खड़े कदम ताल, या तेज कदम ताल को बोलते हैं दौड़ के कदम ताल। तो ये कुछ और होते हैं, जैसे दौड़ के कदम ताल होता है क्विक मार्क टाइम, या बोला खड़े खड़े कदम ताल तो वो मार्क टाइम होता है। जैसे मैंने अभी बताया था थंब को हॉल्ट बोलते हैं, फिर बोलते हैं आगे बढ़, जैसे बोलते हैं ना स्क्वाड आगे बढ़ तो उसको फॉरवर्ड भी बोल देते हैं इंग्लिश में, है ना। फिर कदम बदल, चेंजिंग स्टेप, है ना, कई बार स्क्वाड में सबके साथ पेस मिलवाने के लिए कमांड करवाता है कदम बदल एक दो, कदम बदल एक दो, आपने कभी किया हो तो, ठीक है, ये सारी चीज़ होती है। फिर देखो आगे कुछ ड्रिल है विद आर्म्स के साथ में, आर्म्स होते हैं हथियार के साथ में भी ड्रिल की जाती है, तो उसके बारे में भी थोड़ा सा जान लो, बहुत छोटा सा बचा है, ठीक है। तो देखो गेटिंग ऑन परेड विद राइफल, अगर आप किसी परेड में जा रहे हो, राइफल ड्रिल करिए कभी हाथ में राइफल लेके, तो बस उसी का है कि उसमें हथियार को ले क्या क्या कमांड दी जाती है, थोड़ा सा ध्यान रखना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट ठीक है मैं पढ़ा देता हूँ क्योंकि सिलेबस में है। तो सबसे पहले होता है तोल, शस्त्र, शॉर्ट रेल, इसमें कुछ नहीं करना होता। जैसे आपको हथियार देते हैं ना, तो आपने कई बार किया होगा, तो आप लेफ्ट हाथ में हथियार पकड़ा, उसको उछाल के आप राइट हाथ में पकड़ लेते हो, है ना, इमेजिन करो लेफ्ट हाथ में अपनी राइफल पकड़िए और आप उछाल के से राइट हाथ में पकड़ ले रहे हो, उसको तोल शस्त्र बोलते हैं, ठीक है। डिसमिसिंग और फॉल आउट में जो राइफल होती है, जैसे सपोज करो राइफल के साथ को आपको डिसमिस या फॉल आउट, जैसे आपके हाथ में राइफल है और मैंने बोला कि स्क्वाड लाइन तोड़, या मैंने बोला स्क्वाड विसर्जन, तो आपकी राइफल जो होगी वो शोल्डर्ड होगी, वो आपके हाथ में ऊपर उठी हुई होगी। ऐसा नहीं होगा कि आपने भूमि शस्त्र कर दिया और उसके बाद आप लाइन तोड़ कर रहे हो, या आपने भूमि शस्त्र कर दिया उसके बाद में आप विसर्जन कर रहे हो, ऐसा नहीं होता। राइफल हाथ में होती है, उसके साथ में विसर्जन और लाइन तोड़ किया जाता है। क्लियर हुई मेरी बात? अगला भूमि शस्त्र समझ में आ गया कि राइफल को जमीन पर रखना भूमि शस्त्र, उठा शस्त्र वापस से उठा लेना उसको, बगल शस्त्र शोल्डर में राइफल घुसाना, बाजू शस्त्र, ये भी मतलब पकड़ने का तरीका अलग अलग होता है थोड़ा सा, जांच शस्त्र मतलब जो आपकी राइफल है उसको एग्जामिन करना, ठीक है। कुछ कमांड्स है बस ये ध्यान रखने होगी थोड़ी थोड़ी आपको, ठीक है। अगला है सैल्यूट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सैल्यूट कितने होते हैं? 3 टाइप के सैल्यूट होते हैं, एक होता है नेशनल सैल्यूट जिसको हम राष्ट्रीय सैल्यूट भी बोलते हैं, दूसरा होता है जनरल सैल्यूट और तीसरा होता है सलामी शस्त्र, ठीक है। ये 3 टाइप के सैल्यूट्स होते हैं। नेशनल सैल्यूट जो होता है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को दिया जाता है एंड गवर्नर को दिया जाता है इन देयर ओन ज्यूरिडिक्शन। ज्यूरिडिक्शन का मतलब क्या हुआ? जैसे सपोज करो कि कोई उत्तराखंड, हाँ उत्तराखंड का कोई गवर्नर है ना, या उत्तराखंड का नहीं हुआ, देहरादून का कोई गवर्नर है, तो देहरादून के अंदर पे ही उसको नेशनल सैल्यूट दिया जाएगा, और देहरादून से बाहर बिहार में चले गए तो वहाँ पे नहीं दिया जाएगा क्योंकि उसका ज्यूरिडिक्शन नहीं है, उसका एरिया नहीं है। मेरी बात क्लियर हुई? तो ऐसे ही प्रेसिडेंट को तो हर जगह भी दिया जाएगा, तो नेशनल सैल्यूट किसको दिया जाता है? प्रेसिडेंट को और गवर्नर को, ठीक है। उसके बाद आता है जनरल सैल्यूट, इससे थोड़ा छोटा, इसको मेजर जनरल, ये रैंक याद रखिएगा, मेजर जनरल या उससे अबव रैंक का कोई अधिकारी होगा उसको जनरल सैल्यूट दिया जाएगा, ठीक है। एंड आता है आपका सलामी शस्त्र, ये ऑल अदर VIPs या डिग्निटरी जितने भी आते हैं उनको सलामी शस्त्र देते हैं हम, ठीक है, मेरी बात क्लियर। अगला देखो लास्ट टॉपिक, गार्ड ऑफ ऑनर। गार्ड ऑफ ऑनर अब समझ में आ गया आपको, ऊपर जो सैल्यूट दिए जा रहे हैं ये कैसे दिए जा रहे हैं, तीनों टाइप के सैल्यूट, ये सैल्यूट दिए जा रहे हैं राइफल से, राइफल के साथ में सैल्यूट दिए जाते हैं। क्लियर हुई मेरी बात? ठीक है, और इसको बोलते हैं गार्ड ऑफ ऑनर, ठीक है। जैसे ये राइफल के साथ में ये क्या कर रहे हैं इस समय, ये राइफल से सैल्यूट दे रही है बच्ची, ठीक है। तो इसके अंदर पे रिक्रूटमेंट नॉर्मल सलामी शस्त्र के अंदर पे 6 होती है, 6+2 8, जैसे सलामी शस्त्र हुआ इसके अंदर 8 बच्चे होते हैं, खाली 8 कैडेट रिक्वायर्ड होते हैं, वो सलामी शस्त्र दे देते हैं, ठीक है। अगला देखो, जैसे सपोज करो कोई प्रेसिडेंट है, तो प्रेसिडेंट को अगर आपको सैल्यूट देना है तो उसके लिए आपको 150 रैंक चाहिए होगी, ठीक है, और 3 इक्वल डिवीजन में जो डिवाइड हो, है ना, 150 लोग होंगे और वो 3 फाइलों में से खड़े हो रखे हैं, ऐसे समझ लीजिए इसको, ठीक है। तो
उसको प्रेसिडेंट को सैल्यूट देने के लिए इतने चाहिए, अगर आपको वाइस प्रेसिडेंट को सैल्यूट देना है तो आपको 100 चाहिए होते हैं, कितने 100 रैंक्स चाहिए होती हैं, ठीक है। तो नॉर्मल वीआईपी को देने के लिए 2+2+6 8 लोग है ना, एंड अगर प्रेसिडेंट को देना है तो 150, एंड अगर वाइस प्रेसिडेंट को देना है तो 100, केवल इतना आप याद रख लीजिएगा। एंड इसी के साथ आपका ये चैप्टर जो है ये पूरा खत्म हो चुका है, होप सो आपको ये पूरा क्लियर हो गया होगा और बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अच्छा ठीक है, अच्छा आपने पूरी वीडियो ध्यान से देखी है तो मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछ लूँ, कुछ क्वेश्चंस के मुझे आंसर दीजिएगा आप, देखते हैं आपको कुछ समझ में आएगा। सबसे पहले आप, मैं दो क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, कमेंट बॉक्स में उनका आंसर लिखिएगा, मुझे समझ में आएगा कि आपको चैप्टर क्या, एम ऑफ ड्रिल लिख दीजिएगा, एम ऑफ ड्रिल क्या क्या होते हैं ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, एम ऑफ ड्रिल मैं देखना चाहता हूँ कोई भूला तो नहीं है, एम ऑफ ड्रिल, ये स्लाइड गलत हो गई थी, याद करो स्टार्टिंग में, एम्स ऑफ ड्रिल लिख के बताइएगा मुझे, देखते हैं किसको याद है, किसका दिमाग बहुत शार्प चलता है। एक और क्वेश्चन पूछना चाहूँगा मैं आपसे, एक और क्वेश्चन जो आपसे पूछेंगे, और हार्ड सा पूछ लो, इजी से पूछो भाई, ठीक है। थ्री टाइप्स ऑफ सैल्यूट्स बता दीजिएगा, क्या बताना है आपने, थ्री टाइप्स ऑफ सैल्यूट्स बताने हैं, देखो लिखा क्यों नहीं जा रहा यार इससे, ठीक है ये तीन टाइप ऑफ सैल्यूट्स बता दीजिएगा कौन कौन से होते हैं, ये पेपर के अंदर दोनों को सवाल बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पूरी आपको क्लियर हो चुकी होगी, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।